राना शेफ इंटरनेशनल गाइड टू पिज़्ज़ा लॉन्ग लीजर्ट खाकर दिखाता हूँ वो लंबे लंबे धागे है ना मज़े का बिसमिल्लान रहीम व बरकातहू अल्लाह ताला की रहमत के सदके सोने कमली वाले हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला आपके रिजक में बरकत अता फरमाए और अल्लाह हम सबका हम यो नासर हो गाइज आई एम ऑलवेज लुकिंग योर काइंड कॉप्रेशन एंड अटेंशन और आज का जो मेरा है पिज़्ज़ा राना शेफ इंटरनेशनल गाइड टू पिज़्ज़ा पिज़ा कैसे बनाना है ये पहले मैंने पैन में माइक्रोवेव में उनमें मैंने बनाए हैं आज मैं फिर जो है ना ओवन में बनाकर दिखाता हूँ कि अपनी जो है ये इंग्रेडिएंट्स जो मुख्तलिफ हैं पिज़्ज़ा लवर्स तो बहुत ज़्यादा हैं बहुत ज़्यादा शौक से आप लोग पसंद करते हैं मेरे पिछले पी जो आ रेडी अपलोडेड हैं अब मैं अपनी रेसपी की तरफ आता हूँ ये मेरे पास पड़ी हैं ये मेरे पास चीज़ ओनियन कैप्सिकम चिकन ब्लैक ऑलिव टमाटो कैचअप टमाटो कैचअप ये सास मैंने बना कर रखी है इसकी पिज़्ज़ा सास साथ में मैंने टाइम की बचत के लिए मैंने ब्रेड जो है ये पहले से बना ली है मेरी ये मैं ऊपर इसके ऊपर अब लगा रहा हूँ पिज्ज़ा सास इसको हमने ऊपर क्या कर देना है? पेस्ट और ये मैंने बनाई है टमाटो कैचअप की और इसमें विनीगर रेड चिल्ली डालकर इसको बीट किया गया है अब हमने ऊपर उसके चीज़ लगा रहे हैं चीज़ की मैंने ये ब्री कटिंग कर ली थी ये ऐसे पिज़्ज़ा सास को हमने ऊपर पेस्ट किया अगर आपका पिज़्ज़ा सास नहीं है तो आप टमाटो कैचअप लगा सकते हैं और पिज़्ज़ा सास बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं ये इस तरह पूरी ब्रेड के ऊपर मैंने ये देखे मैंने ऐसे चीज़ को फैला देते हैं ठीक हो गया इस तरह सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन पर पुश करें ये सब्सक्राइब पर दबाएं और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन अब तक पहुंचे अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं शिमला मिर्च लगा दी हमने कैप्सिकम के बाद हम अब ऊपर इसके लगा देते हैं ओनियन ठीक हो गया सारा ओनियन अब ऊपर हम लगा देते हैं टमाटर के स्लाइस टमाटो और इसकी मैंने कटिंग क्या रखी हुई है जंजर कटिंग ओनियन की भी जंजर कटिंग कैप्सिकम की भी जंजर कटिंग और टमाटो की भी जंजर कटिंग और चीज़ की भी जंजर कटिंग ये देखे मैंने ऊपर इस तरह पूरे पिज़्ज़े की ब्रेड के ऊपर ऐसे ये फैला दी अब ऊपर ये हमने ये देखे अब मैंने इसके ऊपर ये अब हम ओनियन शुरू करते हैं स्लाइस देखे माशाल्लाह हमारा पिज़ा कितना खूबसूरत लग रहा है बहुत प्यारा लग रहा है डिलीशियस लग रहा है अब इसके ऊपर हम चीज़ को लगा देते हैं ऐसे सारी ब्रेड के ऊपर चीज़ को फैला देना है इससे ये फायदा होगा कि जब हम पिज़्जे के अंदर जो है ना अच्छी तरह से ये धागे से बन जाएंगे अब हम इसके ऊपर चिकन जो है ये इसको नमक और काली मिर्च लगाई गई है ये मैंने टाइम को बचाने के लिए ये नमक और काली मिर्च के अंदर मैंने इसको फ्राइड किया हुआ है ठीक है अब हमने ब्रेड के ऊपर पिज़्ज़े के ऊपर ऐसे ये लगा देना ताकि पूरी ब्रेड के ऊपर आ जाए ये ऐसे देखा माशाल्लाह क्या लुक आई है पिज्जे की क्या खूबसूरत लग रहा है है ना माउथ वाटरिंग अब मैं ऊपर ब्लैक ओलिव्स लगा रहा हूँ ब्लैक ओलिव्स ऑप्शनल हैं अगर आपके पास हैं तो लगा लें अगर पा आपके पास नहीं है तो ना लगाएं बाज़ लोग इसको पसंद करते हैं और बाज़ लोग इसको नहीं वैसे ये बहुत ताकतवर होते हैं ब्लैक ओलव इसका आयल भी बहुत ज़बरदस्त है बहुत ताकतवर है यूज़ करना चाहिए अब ये देखें मैंने ब्रेड के ऊपर लगाए हैं ब्लैक ओलव कितने प्यारे खूबसूरत और माशाला पीज़े की लुक क्या आई है ये अभी से देखे माउथ वाटरिंग है लुक सो डिलीशियस आप लोगों ने मुझे बताना है कि पिज़्ज़ा आपको कैसा लग रहा है इस रेसिपी के साथ आसान सी रेसिपी है कोई मुश्किल नहीं है अगर आपके पास दो नहीं रही ब्रेड नहीं है तो आप बाज़ार से कोई ऐसी ब्रेड ले लें ले, उसके ऊपर बना लें जिसके ऊपर भी आप आसानी से बना सकते हैं इसका कोई वो नहीं है नहीं है तो आप रोटी पे लगा के बना लें पिज़्ज़ा आपका आसानी से बन जाएगा घरों में आटे का जो पेड़ा होता है आपको दो ले लें तीन ले लें तीन को मिक्स कर लेना अब मैंने ऊपर इसके चीज़ फैला दी है सारी ब्रेड के ऊपर इसका फायदा ये होगा कि जब हम पिज़्ज़े की कटिंग करेंगे तो उसमें फिर देखेंगे आपके लंबे लंबे धागे से बनेंगे ना पिज़्ज़े का मज़ा भी तभी आता है और ये पिज़्ज़े जो हैं ये इटली से हैं बेस्ट पिज़े फ्राम इटली देख देखे माशाल्लाह क्या खूबसूरत लग रहा है है ना प्यारा और जब हम इसको पकाएंगे ये मेल्ट होगा ये देखें ब्रेड के ऊपर माशाल्लाह और ये पिज़्ज़े जो मैं बता रहा हूँ कि ये हैं इटली से इटली दुनिया का कदीम तरीन शहर है वहाँ से ये पिज़्जे आज़ाद हुए हैं वहीं उनकी आजाद से जो, जो इन्वेंट किए उन्होंने तो ये एशिया में यूरोप में अमेरिका में पसंद किए जाते हैं गाइस फ्रेंड्स सब्सक्राइब एंड शेयर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर तो पिज़्ज़े जो हैं हर कंट्रीज़ में शौक से खाए जाते हैं पिज़े शॉप्स बनी हैं घरों में भी बनाए जाते हैं और पिज़्ज़े लवर्स बहुत ज़्यादा हैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं ज़्यादा वो इसको पसंद तो करते हैं तो यकीन है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी अब हम इसको ओवन के अंदर डाल देते हैं ये देखें अब आठ मिनट के बाद देखें पिज़ा हमारा ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत आया है। चीज़ मेल्ट हो गई है है ना खूबसूरत प्यारा प्यारा डिलीशियस अब हम इसकी करते हैं कटिंग ये देखें बड़ी इजी कटिंग हो जाएगी ऐसे ये हो तो अब मैं दूसरी साइड से ये पीसेस को कर लेते हैं ठीक है हम इसके ये देखें और मैंने छोटे पीसेस बना लिए हैं ये आसानी से कट गए हैं अब मैं एक पीस को उठाकर दिखाता हूँ ऐसे स्टिक से उठाता हूँ मैं इसको ये माशाल्लाह क्या लंबे लंबे धागे बने हैं है ना खूबसूरत सो डिलीशियस सो टेस्टी ये माशाल्लाह क्या उसमें कितने थिक धागे आए हैं और पीस देखो वो पीस को कैसे वो मैं उस हाथ की मदद से उसको हटा रहा हूँ फिर भी इतने लेंथी लॉन्ग लीजर्ट लुक सो डिलीशियस देखो कितना लंबे लंबे धागे हैं माशाल्लाह क्या बरकत आ गई है इसमें अब मैं ये खाकर दिखाता हूँ mm. वाह अब मैं मैंने ये पास अपने जो सांस रखी हुई है उसके साथ खाता हूँ mm. लॉन्ग लिजर्ड देखा खाते हुए कितने लंबे लंबे धागे आ रहे हैं तो आप लोग इसी रेसिपी से बनाए का परफेक्ट आप मुझे इजाजत दीजिए राना शेफ इंटरनेशनल को अल्लाह हाफिज थैंक फॉर